हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन आई वेलकम यू ऑल एडवर्स न्यूज एनालिसिसम द हिंदू न्यूज पेपर सो लेट सी वॉट इम्पॉर्टेंट न्यूज वी गॉट टू डे टू डिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर पीडीएफ जॉइन टेलीग्राम चैनल एडूवर्स न्यूज एनालिसिस जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है ओके ना फर्स्ट न्यूज इज यू कैन सी आप सभी को पता है है, है। कि यहां पे जो जापान जापान के के प्राइम मिनिस्टर हैं, हैं। वो इंडिया की विजिट में में आए हुए तो यहां पर हमारे लिए क्या हो जाता है? हो जाता जाता अब इस मीटिंग किस-किस डूरिंग टू लॉन्च द न्यू प्लान फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन ओके okay, अब यहाँ पर इस मीटिंग में किस किस बारे में बात की गई है आप सभी को पता होगा यूक्रेन क्राइसिस के बारे में यूक्रेन और रशिया का इस टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर यूक्रेन इशू को अ, सामने लेकर आया गया कि किस तरीके से ये जो कंफ्लिक्ट है हम इसको यहाँ पर रोक सकते हैं उसके बाद जी और जी ट्वेंटी की क्या क्या एजेंडाज होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया गया जी का आप सभी को पता है कि जी की अभी प्रेसिडेंसी किसके पास है इंडिया के पास है ओके okay? और जी सेवन की यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी है इस टाइम पर जापान के पास है जापान यहाँ पे जी ट्वेंटी की जो समिट है उसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा है इसलिए यहां पर G, जी जी सेवन एंड जी ट्वेंटी के क्या क्या एजेंडाज होने चाहिए किसी भी कंट्रीज के यहाँ पे बाइलेटरल रिलेशन में उसके बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है नेक्स्ट अगर हम देखें तो जापान की अगर हम बात करें जापान की यहाँ पर हम लोकेशन देखेंगे तो जापान के यहाँ पे साथ आ, कौन आ जाता है यहाँ पे पैसिफिक रीजन आ जाता है हमारा तो एंडो पैसिफिक रीजन में हम किस तरीके से यहाँ पे हमें फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यहाँ पे ट्रेड ला सकते हैं किस तरीके से इस रीज़न में हम ग्रोथ को कर सकते हैं ग्रोथ को लेकर आ सकते हैं उसके बारे में ये जो मीटिंग हुई है अभी इस इस विजिट में ये सारी चीज़ें को इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है ओके अब देखिए जापान हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आप सभी को पता है जापान क्या है अगर हम जापान के यहाँ पे पहले आप लोकेशन देखिए इस मैप में ये जापान है जापान के यहाँ पे साइड में जापान क्या एक आइलैंड कंट्री है ओके यहाँ पर हमारा चाइना है तो सबसे बड़ा थ्रेड तो सब क्या है हमारा चाइना का कि चाइना से सभी को खतरा है ऐसा लगता है चा, चा, चाइना मतलब एक तरीके से सभी के लिए एक कंसर्न यहाँ पर है हर एक इंडिया के लिए हो जापान के लिए हो और यूएस के लिए हो किसी के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं चाइना क्या बना हुआ एक मेजर कंसर्न बना हुआ है कि चाइना को चाइना के जो बढ़ते कदम है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको हम किस तरीके से यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं ओके इसीलिए जापान को आप देख रहे हैं जापान क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहां पे वो स्ट्रांगली क्या करता है जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं यूएस है यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ मर है है ना जापान क्या है उनके साथ है और बहुत ही अच्छे रिलेशन है जापान किस के किसके साथ यूएस के साथ और जितने भी यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके साथ सेकंड अगर हम बात करते हैं जो चाइन जापान है इसी के चलते जो क्या है जापान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसी के चलते जापान क्या कर रहा है रशिया को यहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली यहाँ पे कंटेम कर रहा है है ना कि जो ये रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट हो रहा है तो जितने भी यहाँ पे सेंशन लगाए गए उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर रहा है जापान यहां पे फॉलो कर रहा है नेक्स्ट अगर हम बात करें जापान यहाँ पे क्वाड का मेंबर भी है क्वाड में यहां पे कितने हैं क्वाड हाँ, का जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा क्या है रूल बेस्ड ऑर्डर क्या है रूल बेस्ड ऑर्डर कि हमें इंडो पैसेफिक रीजन में एक रूल बेस्ड ऑर्डर चाहिए अब इस क्वाड में कौन कौन है आप सभी को पता है जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड यूएस ओके तो दीज फोर कंट्रीज आर दी मेंबर्स ऑफ दी क्वाड ओके तो क्वाड का मेंबर कौन है जापान है अब इसके बाद अगर हम देखें कि इसी के चलते देखिए रशिया यूक्रेन जो कंफ्लिक्ट चल रहा है इसी के चलते जापान ने क्या किया है अपना जो डिफेंस है डिफेंस सिस्टम में उन्होंने अपना जो बजट है उसको भी इंक्रीज किया है तो यहां पर जापान की क्या हो जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती अब जापान हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है जापान का भी एक मोटिव है क्या चाइना को यहाँ पे काउंटर करना इंडो पेसिफिक रीजन में जो चाइना यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इवन वर्ल्ड लेवल पे हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो चाइना यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो इसलिए जापान हमारे लिए क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट हो जाता है अब जापान जापान की हमने यहाँ पे लोकेशन देख ली अब इसको लोकेशन बेस्ड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है ठीक है अब जैसे ये न्यूज में है अब देखिए जापानीज टाइम पे इंपॉर्टेंट क्यों है इसी टाइम पर एट द सेम टाइम हम लास्ट में यहां पे डिस्कस करेंगे कि चाइनीज यहां पे जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग वो यहां पर रशिया की विजिट में गए हुए हैं यहाँ पर वो रशिया मॉस्को यहाँ पर गए हुए हैं और उसमें यहाँ पे बात की जा रही है कि वो क्या करेंगे कि जो एक यूक्रेन है रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट है यहाँ पर किस तरीके से वो पीस को लेकर आ सकते हैं उसके बारे में बात की जाएगी तो देखिए इस टाइम पे यहाँ पर जापान और इंडिया की मीटिंग हो रही है और यहाँ नेक्स्ट साइड अगर हम देखें अदर साइड चाइना और रशिया की यहाँ पर मीटिंग हो रही है इसलिए इस टाइम पर जापान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन में देखिए जापान क्या है एक आइलैंड कंट्री है आइलैंड कंट्री मतलब कि कोई भी ऐसा लैंड जो कि चारों तरफ से आपका किसी वाटर बॉडी से क्या हो सराउंडेड हो उस लैंड uh, को हम क्या कहते हैं आईलैंड कहते हैं ओके okay? अभी जो आईलैंड है ये फोर पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है कुशु शिकोकू हॉन्सू एंड होकादियो ओके okay? तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा अंडमान है निकोबार है इंडिया का अंडमान है निकोबार वो भी क्या है आइलैंड्स में से डिवाइडेड है है तो पूरा वो अंडमान निकोबार बट वो भी क्या है थोड़े थोड़े पार्ट्स में है ये डिवाइडेड है तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा इनके बीच में तो इस तरीके से ये क्या है डिवाइडेड है तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इसके साथ में देखें अगर हम ईस्ट में देखें जापान के तो यहाँ पे क्या है सी ऑफ जापान तो यहाँ पे पैसेफिक ओशन आ जाता है यहाँ पे फिलिपींस सी है ओके यहाँ पर आप देखेंगे कि जापान में ही कौन है लेक बीवा है जो लेक लेकवा है वो कहाँ पर है जापान में ही है इससे एक बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था लेक लेक से कि लेक बीवा कहा पर है तो लेक विवा कहा है जापान में ओके तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था कि इस मीटिंग में रशिया यूक्रेन कंफ्लिक के बारे में बात की दूसरी जी सेवन एंड जी के क्या क्या एजेंडाज हैं तो जी क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कब फॉर्म हुआ था 1975 में ब्लॉक ये क्या है द ब्लॉक मीट्स एनुअली टू डिस्कस डिस्कस इशूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसीज तो इसमें हमारे जो कंट्रीज हैं जो जी सेवन ई कंट्रीज हैं कौन कौन सी जी सेवन कंट्रीज हैं यूके कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान एंड यूएस तो दीज आर दी जी सेवन कंट्रीज यहां पर हम इकोनॉमिक गवर्नेंस हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनर्जी पॉलिसीज इसके बारे में यहां पर डिस्कस किया जाता है ओके ऑल द जी सेवन कंट्रीज एंड इंडिया आर द पार्ट ऑफ जी ट्वेंटी यहां पर आपको याद रखना है जितनी भी यहां पर जी सेवन कंट्रीज है और इंडिया यहां पर किसके पार्ट है जी ट्वेंटी कंट्रीज के पार्ट है तो आपको यहां पर देखिए क्वेश्चन याद रखना है ऑल दी कंट्रीज ऑफ जी मतलब ऑल दी जी सेवन कंट्रीज आर दी पार्ट ऑफ जी ट्वेंटी कंट्रीज बट नॉट ऑल दी ट्वेंटी कंट्रीज आर दार्ट ऑफ द जी सेवन कंट्रीज इंडिया जी सेवन कंट्री का पार्ट नहीं है आपने अभी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज देखी हमने कौन कौन सी देखी जी सेवन में यूके कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान एंड यूएस इसमें इंडिया कहीं दिख रहा है नहीं तो इंडिया क्या है जी सेवन का पार्ट नहीं है जी सेवन का मेंबर नहीं है आपको याद रखना है यहाँ पर ठीक है और बट इंडिया जी ट्वेंटी का क्या है यहां पर मेंबर है Okay? तो ऑल दी जी सेवन कंट्रीज आर दी मेंबर्स ऑफ जी ट्वेंटी कंट्री बट ऑल दी जी ट्वेंटी कंट्रीज आर नॉट दी मेंबर्स ऑफ दी जी सेवन कंट्रीज यहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस है जी ट्वेंटी और जी सेवन के बीच में आपको यहाँ पे याद रखना है ओके okay, अगर हम जी ट्वेंटी टू के अकॉर्डिंग देखें तो जी सेवन कंट्रीज मेकअप टेन परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर हम जी सेवन कंट्रीज को देखते हैं तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में टेन परसेंट ही कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं थर्टी वन परसेंट ऑफ ग्लोबल जीडीपी ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अकॉर्डिंग टू दिस समिट वेबसाइट चाइना एंड इंडिया द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज विद अमंग विदंग दर्जेस्ट जीडीपी फिगर इन द वर्ल्ड आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुपिंग अब देखिए चाइना और इंडिया क्या है आप सभी को पता है कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है चाइना और इंडिया है ना इंडिया इस टाइम पे चाइना को भी हमने क्या कर दिया पीछे छोड़ दिया तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो वर्ल्ड की टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वो जी सेवन का यहाँ पर पार्ट नहीं है ओके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जी ट्वेंटी की जी ट्वेंटी को भी हम देख लेते हैं जी ट्वेंटी क्या है ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल फॉरम है जिसमें हमारी नाइनटीन कंट्रीज हैं और एक क्या है हमारा यूरोपियन यूनियन आ जाता है तो नाइनटीन कंट्रीज इससे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था इफ यू रिमेम्बर मेंबर जितने भी जितनी जी 2020 में आपको ट्वेंटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जी कंट्रीज में कौन कौन सी जो कंट्रीज है वो मेंबर कंट्रीज हैं और वहां पे हमने चार ऑप्शंस भी देखे थे तो यहाँ पर आपको जी कंट्रीज के जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं वो आपको याद हो रखने होंगे कौन कौन है अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कैनेडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, United States, and the European Union. Union. ओके okay? तो दीज आर दी हम कह सकते हैं कि हमारी ग्रुपिंग है जिसमें ये सारी कंट्रीज को हैं मेंबर्स है। इसमें हम देखें तो जी ट्वेंटी रिप्रेजेंट करती है एटीन परसेंट ऑफ ग्लोबल जीडीपी एटी फाइव परसेंट जो हमारी ग्लोबल जीडीपी है वो जी ट्वेंटी कंट्रीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है ओवर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट टू थर्ड ऑफ दी वर्ल्ड पॉपुलेशन वर्ल्ड की टू थर्ड पॉपुलेशन किसके द्वारा पे रिप्रेजेंट की जाती है जी ट्वेंटी कंट्रीज के द्वारा अब इसको कब फाउंड किया गया था नाइनटीन नाइन नाइन में और G7 को हमने देखा था G7 को यहाँ पे 1975 मतलब G7 हमारा पुराना है उसके बाद हमारा क्या बना है G20 ट्वेंटी यहां पर बना है Okay? यहाँ पे जी ट्वेंटी समिट ये एनुअली होता है हर साल होता है और इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेशन बेसिस पे होती है मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं अब जैसे इंडिया की है इस साल नेक्स्ट ईयर किसी और कंट्री की हो जाएगी तो यहाँ पर रोटेशन बेसिस पे क्या होती है जो प्रेसिडेंसी है वो हर एक कंट्रीज के पास में जाती है ये कैसे वर्क करता है तो जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी स्टील द जी ट्वेंटी एजेंडा फॉर वन ईयर एंड होज द समिट अब ये वर्क कैसे करता है जी ट्वेंटी की जिस भी कंट्री के पास यहाँ पर क्या है प्रेसिडेंसी है तो वो यहाँ पे एजेंडा सेंड करते हैं कि हमें इन इन मुद्दों पर क्या करना है ये जो इश्यूज हैं इन पर हमें बात करना है और किस तरीके से ये सारी कंट्रीज आकर इन इश्यूज पर एक्शंस लेंगी हम क्या क्या कर सकते हैं उस चीजों जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अगर बात करी क्लाइमेट चेंज की तो क्लाइमेट चेंज में हम क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रीज कैसे साथ में मिलकर क्लाइमेट चेंज को हम जो बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं टेररिज्म ओके फूड्स इनसिक्योरिटी तो ये सारी चीज़ों मतलब कि हमें एजेंडा सेट करना पड़ता है जो भी जिस

लीड्स द शेरपा ट्रैक्स अब यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो किसको ट्रीट uh, करते हैं जो हमारा फाइनेंस ट्रैक होता है और शेरपा ट्रैक यहाँ पे शेरपाज होते हैं जो हमारे सेंट्रल बैंक के यहाँ पे हम कह सकते हैं गवर्नर्स वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करते हैं उसको लीड करते हैं ओके okay? नेक्स्ट है हमारा दिस आर्टिकल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस यहाँ पे मेनली किसके बारे में बात की गई इस आर्टिकल में जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है मुस्लिम पर्सनल लॉ उसके बारे में बात की गई है कि किस तरीके से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कितना ज्यादा एब्सलूट है और उसके कारण कभी कभी हमें क्या देखने को मिलता है जो हमारा नेशनल लॉ है यहाँ पे नेशनल और स्टेट लॉ है उनके बीच में हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है मतलब हमारा यहाँ पे पर्सनल लॉ और नेशनल लॉ के बीच में क्या देखने को मिलता है कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है अब हमने यहाँ पे एक केस देखा था चंडीगढ़ हाईकोर्ट का केस था जिसमें यहाँ पे ये यह केस गया था कि अगर आ, मुस्लिम पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी गर्ल अगर फिफ्टीन पुवर्टी की एज को यहाँ पर अचीव कर लेती तो उनके पास यहाँ पर क्या होता है राइट होता है कि वो उसकी क्या कर सकते हैं शादी कर सकते हैं बट दिस इज अगेंस्ट अवर नेशनल लॉ हमारे नेशनल लॉ में क्या है कि एटीन ईयर्स से पहले किसी भी आ, गर्ल चाइल्ड के किसी भी पर्सन के यहाँ पर शादी का प्रोविजन नहीं है बट ये क्या कर रहा है इनका जो पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे उनकी पर्सनल लॉ में क्या है कि अगर आप पुबर्टी की एज को अचीव कर लेते हैं तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अ मैरिज फॉर अ गर्ल चाइल्ड ओके तो यहाँ पे बस मेनली पूरा ये उनका जो पर्सनल लॉ है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है ठीक है तो ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इस आर्टिकल में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवर्स द हॉस्टिलिटी अब अभी तक हमने यहाँ पे जितने भी आर्टिकल डिस्कस करे उसमें मेनली क्या देख रहे थे स्टेट और

नॉन पार्टीशन स्पीकर है ना तो यहाँ पे ये जो पूरा आर्टिकल इसमें केरला असेंबली के बारे में बताया गया है कि केरला में किस तरीके से जो स्पीकर है वो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है उसको यहाँ पर मतलब कि तरीके से आप कह सकते हैं कि सप्रेस कर रहे हैं सप्रेस कर रहे हैं कि वो क्या कर सके यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन मतलब किसी भी टॉपिक पर वहां पे वो डिबेट नहीं कर पा रहे अगर हम स्पीकर की बात करते हैं तो स्पीकर का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे देखिए स्पीकर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कोई भी यहाँ पे लोकसभा लोकसभा की बात करते हैं इवन जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट लेजिस्टिव असम्बली वहां भी हम बात करते हैं तो उसका जो च, उसको प्रिस्क्राइब कौन करता है स्पीकर होते हैं वहां पे कौन होते हैं स्पीकर ठीक है अब स्पीकर का ही सेकंड रोल हम देखते हैं तो किस में आता है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई भी अगर पार्लियामेंट का मेंबर है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो अगर वो कुछ भी ऐसा करते हैं कोई कुछ भी डिफेक्ट करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू उनको क्या कर दिया जाता है उनको उनकी पोजीशन से रिमूव कर दिया जाता है स्पीकर ही क्या करते हैं यहां परमिशन प्रोवाइड करते हैं किसको पार्लियामेंट के मेंबर को या फिर अपोजिशन पार्टी उनको परमिशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी टॉपिक पर यहां पे डिबेट और डिस्कशन के लिए ओके okay, अगर हम असेंबली में भी बात देखें कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक उस पर डिबेट करना हो तो यहाँ पे स्पीकर की परमिशन होती है अपोजिशन पार्टी का जो पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक को लेकर और किसी भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग की अगर हम बात करते हैं है ना कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर पॉलिसी लेकर आती है कोई भी यहाँ पर एक्ट लेकर आती है तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी के पास में यहाँ पर राइट है कि वो क्या कर सके उस पर डिबेट कर सके वहाँ पे क्वेश्चन कर सके यहाँ पर देखिए अपोजिशन पार्टी के पास क्या होता है आप सभी को पता है कि असेंबली में यहाँ पर टाइम दिया जाता है है ना कि आप उस टाइम पे उस चीज को लेकर कोई भी पॉलिसी की जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है जीरो जीरो आवर होता है यहाँ पे क्वेश्चन आवर होता है जिसमें यहाँ पे अपोजिशन पार्टी क्या करती है क्वेश्चन करती है बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि आ, कई बार क्योंकि जो स्पीकर होते हैं देखो स्पीकर होते हैं वो रूलिंग पार्टी से ही होते हैं किससे होते हैं रूलिंग पार्टी से होते हैं तो हमें कई बार ये देखने को मिलता है कि ये जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं ये जो स्पीकर होते हैं ये बहुत ज्यादा रूलिंग पार्टी के फेवर में होते हैं मतलब किस तरीके वो क्या करते हैं कि जो ज्यादा ज्यादा वो किसको यहाँ पर यहाँ पर ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है स्पीकर के ऊपर कि वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं दैट्स वाइट दे ओनली फेवर रूलिंग पार्टी वो किसको फेवर करते हैं सिर्फ रूलिंग पार्टी को यहाँ पे फेवर करते हैं अब देखिए आपको यहाँ पे याद रखना होगा जो स्पीकर है स्पीकर रूलिंग पार्टी से होना चाहिए ये सिर्फ एक कन्वेंशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि रूलिंग पार्टी से ही यहाँ पर स्पीकर होना चाहिए ये कन्वेंशन है ये पार्लियामेंट के द्वारा रूल लेकर आया गया है कन्वेंशन लेकर आया गया है कि जो स्पीकर या फिर चेयरपर्सन इन राज्यसभा जो होने चाहिए वो रूलिंग पार्टी से होने चाहिए बट ऐसा कोई भी प्रोविजन हमारे में नहीं है आपको इतना याद रखना है ओके तो इसी के चलते यहाँ पे मतलब केरला असेंबली में ये हुआ है ये कहा गया है कि स्पीकर को यहाँ पे कैसा होना चाहिए नॉन पार्टीशन नॉन मतलब कि बायसनेस बायस नहीं होना चाहिए है ना इससे क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एक ट्रू स्प्रिट है ट्रू स्प्रिट है हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की और जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी क्यों क्योंकि जो हमारा अगर हम मेन फंक्शन देखें पार्लियामेंट का तो क्या होता है हमारा डिबेट डिबेट एंड एंड डिस्कशन डिस्कशन ही मोस्ट टॉपिक होता है और अगर स्पीकर उस पर रोक लगा देता है तो हम जो हमारा ट्रू सेंस है हमारा जो प्रिंसिपल है वो ही क्या होता है यहाँ पर वॉयलेट होता है ओके अब इसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की जा रही है कि हम क्या सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब कोई भी पर्सन यहां पे स्पीकर की पोजीशन पर आ जाता है तो वो या तो ऐसा करे कि जो जिस भी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं या फिर उनकी जो यहां पर मेंबरशिप है पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में तो उस मेंबरशिप को लिए जब तक वो स्पीकर हैं तब तक के लिए वो क्या कर सकते हैं टिल देन वो उस पोस्ट से यहां पर रिजाइन कर सकते हैं है, है ना कि मतलब तब तक के लिए वो मेंबर नहीं है सिर्फ वो क्या करेंगे और सिर्फ जो स्पीकर हैं उस पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर काम करेंगे ओके okay, तो यहाँ पे इस तरीके के कुछ यहाँ पर क्या दिए जा रहे हैं कि सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे हम यहाँ पे जो पार्शलिटी है इम है स्पीकर की उसको यहाँ पर अप्रोच मतलब कि अचीव कर सकते हैं तो देखिए इसमें तो पूरा मेनली जो इस आर्टिकल में वो केरला के बारे में बताएगा कि किस तरीके से यहाँ पे केरला गवर्नमेंट को केरला असेंबली में यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है उसको यहाँ पे बोलने का राइट right नहीं दिया जा रहा है मतलब डिबेट और डिस्कशन मतलब उनको पार्टिसिपेशन का उनको यहाँ पर राइट right नहीं मिल मिल रहा है ठीक है तो यहां पर किस तरीके से ये देखना होगा कि आप देखिए क्या कहा गया कि हाउ द रूलिंग कोलिशन एंड बाय एक्सटेंशन ऑफ चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्ड टू द अपोजिशन कॉल फॉर नॉन पार्टिस्टेंट कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग विल डिटरमाइन द कोर्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू फ्रंट ऑफ द स्टेट अब इसी तरीके से यहां पर जो स्टेट के टू फ्रंट्स हैं अब जो पार्टीज होती हैं स्टेट पार्टी की बात करें या किसी भी पार्टी की बात करें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कहां पर स्टेट गवर्नमेंट में है ना स्टेट की फंक्शनिंग में यहाँ पर अपोजिशन पार्टी भी क्या करती है अपोजिशन का भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट यहां पर क्या हो जाए आर्बिट्रेटरी ना हो जाए है ना अपना ही मतलब डिक्टेटरशिप यहां पे ना हो जाए डिक्टेट ना हो जाए इसलिए यहां पे अपोजिशन का क्वेश्चन उठाना डिस्कशन करना गवर्नमेंट uh, की फंक्शनिंग पर गवर्नमेंट के एक्शन पर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके okay? तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सीरियल सोल्यूशन यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है 2023 हमारा यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग हम इसको किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं हमने इसको आ, क्या किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है ना क्या किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और हमारे बजट में भी इस साल हमने जो मिलेट्स है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है हमने मिलेट्स को क्या कहा है श्री अन्न कहा है क्या कहा है श्री अन्न तो आपको देखो पहले तो ये हमारे फैक्ट्स हो गए इनको आपको याद रखना है बजट में 2023 एंड 24 के बजट में हमने मिलेट्स को क्या कहा श्री अन्न कहा है और इंटर, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में क्या कर रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं अब मिलेट्स की आप इम्पोर्टेंस देखिए पहले मिलेट्स की अगर हम इम्पॉर्टेंस देखते हैं तो इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था 1960s में जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे पहले हम बहुत ज्यादा मिलेट्स का यूज करते थे ऐसा नहीं कि हम मिलेट्स का यूज नहीं करते थे बट नाइनटीन में थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई फूड इनसिक्योरिटी आई सामने यहाँ पे ड्रॉट जैसी कंडीशन आई फूड इनसिक्योरिटी आने के कारण यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया और ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स है हम आप कह सकते हैं जो कैश क्रॉप्स हैं कैश क्रॉप्स में आप कह सकते हैं राइस ट इन पर ज्यादा फोकस किया गया इसमें हम फर्टिलाइजर्स का इन सारी चीजों का यूज करके क्या करने लगे इनकी यहाँ पर ग्रोथ करने लगे जिसके कारण क्या हो गया जो मिलट्स हैं ये यहाँ पर पीछे छूट गए क्या हो गए ये पीछे छूट गए अब यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि मिलेट्स को हमें फिर से क्या लेकर आना होगा हमारे न्यूट्रिशन में हमारी डाइट में धीरे धीरे हम उसको हमारी जो डाइट है उसको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा हम यहाँ पर सिर्फ जो कैश क्रॉप्स हैं अब अगर हम कैश क्रॉप की बात करते हैं यहाँ पर हम आप दो ये क्रॉप्स ले लीजिए एक तरफ हमारा क्या आ जाता है मिलट और दूसरी तरफ हमारा आ जाता है यहाँ पे कैश क्रॉप्स कैश क्रॉप्स की बात करें तो इसमें सिर्फ मेनली हम किस पर फोकस करते हैं कि हमें क्या करना राइस एंड वीट इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया एमएसपी भी प्रोवाइड करी गवर्नमेंट इसको यहाँ पे प्रोक्योर भी करते हैं ठीक है ठीके? सारा जो एमएसपी एस पी यहाँ पर सब्सिडीज भी प्रोवाइड की जाती है जो फर्टिलाइजर्स हैं उस पर यहाँ पे सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है तो यहाँ पे हम ज्यादातर जो आ, फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं राइस एंड वीट को यहाँ पे ग्रो करते हैं ओके क्यों क्योंकि इसमें इतने ज्यादा हमें यहाँ प्रॉफिट मिल रहे हैं यहाँ पे फार्मर्स को क्या हो रहा है फायदा हो रहा है तो हम उसी तरफ बढ़ेंगे जहां पर हमें हमें कुछ इनकम मिलेगी हमें फायदा मिलेगा अब मिलट्स को देखिए नाइनटीन से पहले तो मिलट्स का यूज होता था बट आफ्टर नाइनटीन सिक्सटीज मिलट का जो यूज है वो बहुत ज्यादा ही क्या हो चुका है कम हो चुका है मिलट्स में मतलब कि जो हमारे यहाँ पे होते हैं आपने यहाँ पे ज्वार बाजरा इन सबका नाम सुना होगा तो ये सारे क्या है हमारे मिलेट्स हैं ओके अब मिलेट्स के अगर हम देखें तो यहाँ पे मिलेट्स के बहुत ज्यादा क्या है फायदे हैं किस तरीके से आप मिलेट्स को देखिए हेल्थ का बेनिफिट देखिए यहाँ पे हेल्थ जो मिलेट्स हैं आप थोड़ा सा मिलेट्स भी आप अगर अपने डेली डाइट में लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है सेकंड अगर हम बात करते हैं कोई भी पर स्पेशली वन आप आ, जो जिम जाने वाले बॉयज होते हैं या फिर जो भी पर्सन जाते हैं उनसे आप कभी पूछिएगा वो कितना ज्यादा यहाँ पे मिलेट्स का यूज करते हैं कि हमें हाँ यहाँ पे हमें आ, ये ज्वार खाना चाहिए बाजरा खाना चाहिए हमें ये इससे ये प्रोटीन मिलता है इससे इतना ज्यादा तो, तो उनकी डाइट में आप देखेंगे और अपनी डाइट में देखेंगे वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं यहाँ पर मिलेट्स का यूज करते हैं ओके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर मिलेट्स का अगर हम देखें तो ये किसी भी रीजन में क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं मतलब कि हर एक क्लाइमेट कंडीशन देखें कि सिर्फ देखे राइस के लिए कितना ज्यादा यहाँ पर पानी लगता है बट जो मिलेट्स हैं वो कम पानी जैसे कोई हिली एरिया है है ना हिल एरिया है नॉर्थ ईस्ट एरिया की हम बात करते हैं हिली एरिया है राजस्थान साइड है नॉर्थ ईस्ट हो गया साउथ में देखें नॉर्थ में देखें आप इसको किसी भी रीजन में क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा क्या है आपके क्लाइमेट फ्रेंडली है इन्वायमेंट फ्रेंडली है आप इसको कम से कम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं इवन इसको आप आ, क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इनके जो हाइब्रिड फॉर्म है उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं जैसे ज्वार एंड बाजरा के यहाँ पे बहुत सारे हाइब्रिड्स भी निकल कर आ रहे हैं तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं तो देखिए मिलेट्स के यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंस है और इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन भी है तो इसमें देखिए मेनली यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑन मिलिट्स और इस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो किसमें डोर टू प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी फॉर इंडिया मार्जिनल फार्मर्स द कॉन्स्टॉन ऑफ न्यूट्रिशन एंड एज अ पोटेंशियली अगेंस्ट पोटेंशियल एलाय अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज तो यहां पे क्या क्या है ये डोर टू प्रोस्परिटी मतलब जो मार्जिनलाइज्ड यहाँ पे फार्मर है जैसे कि आ, हिली एरियाज में जो फार्मर्स हैं वहां पर आप राइस ग्रो नहीं कर पा रहे हैं वीट ग्रो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा एरिया है ठीक है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं मिलेट्स को यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं मिलेट्स को अगर हम ग्रो करेंगे तो उनके पास क्या होगी थोड़ी इनकम आएगी बट उससे पहले उसको हम ग्रो तो करें बट उससे पहले हमें उसकी डिमांड है उसकी जो कंजम्पशन की डिमांड है उसको भी क्या करना होगा इंक्रीज करना होगा अगर हम यहाँ पे सब ग्रो करते जाएंगे बट उसके यहाँ पे डिमांड ही नहीं बढ़ेगी उसका कंजम्पशन ही नहीं होगा तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा किसी को है ना कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा तो सबसे पहली बात यही कहा जा रही है कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा डिमांड क्रिएट करना होगा हमें ये क्या है कॉन स्टोन ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है किससे मिलेट से और ये क्या है पोटेंशियली अलाय अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट पे क्या है एक बहुत ही बड़ा इसका पोटेंशियल क्लाइमशियल ये सामने बनकर आ सकता है इसलिए हमें क्या करना होगा मिलेट्स को यहाँ पर हमारी डाइट में धीरे धीरे क्योंकि देखिए एकदम से हम सडनली यहाँ पर हमारी जो डाइट है उसको यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके तो धीरे धीरे इसमें देखिए कहा कि डाइटरी शिफ्ट आर स्लो प्रोसेस एंड इंडिया मस्ट लेट ऑल ग्रेन्स ग्रो तो यहां पर हमें क्या करना होगा इंडिया को क्या करना होगा सारे जो ग्रीन उसको ग्रो करना होगा अब देखिए सिर्फ हम अगर एक ही क्रॉप यहाँ पे ग्रो करते हैं जैसे राइस एंड वीट की बात करते हैं एक ही क्रॉप अगर हम ग्रो करते हैं तो इससे क्या होता है जो क्रॉप पैटर्न है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है जो सॉइल है यहाँ पे सॉइल में जो न्यूट्रिशंस है उन पर क्या पड़ता है यहाँ पे इम्पेक्ट पड़ता है इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा सारे ग्रेन्स को हमें इसकी जो डिमांड है मिनट्स की जो यहाँ पे डिमांड है उसको यहाँ पे ग्रो करना होगा ताकि ज्यादा ज्यादा हम क्या कर सके मिलेट्स का जो तो कंजन है वो कर सके अगर डोमेस्टिक मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती तो इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या होगी इसकी डिमांड यहां पर बढ़ेगी ओके और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आ, मिलेट्स इन द वर्ल्ड तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड कौन इंडिया तो यहां पे हमें सबसे पहले देखिए हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हैं बट हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि हम इसका जो डिमांड है वर्ल्ड में सॉरी वर्ल्ड के साथ साथ हम यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड भी हमें क्या करनी होगी मिलेट्स की यहाँ पे क्रिएट करनी होगी ताकि फार्मर्स के साथ साथ इवन जो हम ह्यूमन बींग नॉर्मल यहाँ पे जो सिटीजन हैं उनको भी यहाँ पे क्या मिल सके इसका यहाँ पे बेनिफिट मिल सके ओके okay? तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कंक्लूडिंग ऑन अ हाई नॉट इन मैन मैन अब यहाँ पे क्या है ये जो टी एस तिरुमति जी हैं आप सभी को पता है इनकी जब हमारी क्या थी यूएनएससी में यहाँ पे प्रेसिडेंसीप थी यूएनएससी क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये यूएन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कह सकते हैं कि पार्ट है 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 ना इसमें मेन रोल क्या यूएनएसए का आप सभी को पता है कि यून का मेन पर्पस क्या है फॉर पीस एंड सिक्योरिटी यहाँ पे वर्ल्ड में किस तरीके से पीस और सिक्योरिटी को आपको स्टेब्लिश करना है तो इसका जो पूरा जिम्मा है पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है यूएनएससी के पास है यूएनएससी की है. अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो ये आ, इनका यहां पर जब वो यून में वर्क कर रहे थे वो एज एम्बेसिडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क बिटवीन 2020 टू 22 एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ फॉर अगस्त 2021 थाउजेंड यहां पर मतलब उन्होंने ये बताया कि जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पर ये क्या थे

यूएस रशिया रशिया एंड चाइना तो दीज आर फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यून एस सी और यहां पर क्या है टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं क्या टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और यहां पर दो दो साल के लिए यहाँ पे एवरी टू ईयर्स यहाँ पे क्या होती है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनकी यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप यहां पे चेंज होती रहती है आ, इंडिया की बात करें इंडिया भी 2020 एंड 22 में यहाँ पे इंडिया के पास यून की यहाँ पे परमानेंट सीट थी प्रेसिडेंसी थी और ऐसा यहाँ पे पहली बार नहीं हुआस की इंडिया को यहाँ पर सीट मिले। क्या मिले यहाँ पर परमानेंट सीट मिले और ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया क्या है वर्ल्ड की मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है क्या है ये लार्जेस्ट पॉपुलर्स कंट्री ओके सेकेंड अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लार्जेस्ट इकॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है कल्चर की बात करते हैं तो इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पुराना है ओल्डेस्ट कल्चर की बात करते हैं यहाँ पर सारी जो कल्चर है बहुत सारे कल्चर हैं यहाँ पर मिक्सड कल्चर है आपको हर तरीके की डाइवर्सिटी यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलेगी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड रिलेशन में हम बात करते हैं तो हमारे जो हर एक कंट्रीज़ के साथ हैं जो रिलेशन है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इकॉनमी की इंडिया क्या बढ़ रहा है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यहां पर वर्ल्ड में आ रहा है सामने तो इसी बेसिस पे इंडिया डिमांड कर रहा है कि कि यूनससी में युनसी में इंडिया को यहां पर एक परमानेंट सीट मिले सिर्फ इंडिया को ही नहीं यहां पर जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज है फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर अफ्रीका को देख लीजिए अफ्रीका ब्राजील जर्मनी जापान ठीक है तो ये ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे फाइव में, परमानेंट मेंबर्स ना हो क्यों क्योंकि ये जो फाइव परमानेंट मेंबर्स हैं ये सिर्फ इनका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर जो ग्लोबल इशूज हैं उसके बारे में बात नहीं की जाती है ग्लोबल इशूज़ के बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब जो ग्लोबल इशूज़ है उनको यहाँ पर पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है हाँ जब उनके ऊपर यहाँ पर कोई चीज़ आती है तो फिर वो उस चीज़ पर यहाँ पर फोकस करते हैं डिस्कस करते हैं अदरवाइज नेशनल इंटरेस्ट के अलावा यहाँ पर जो ग्लोबल इशूज है उसको यहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पर ये यह डिमांड की जा रही है कि यहाँ पर यून में हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है अब हम क्या कर सकते हैं बट यहाँ पर जो हमारे रिफॉर्म की हम बात करने की हैं में हमें रिफ़ॉर्म करने चाहिए बट हमें ऐसा कुछ चेंज होता दिखाई नहीं दे रहा इसलिए यहाँ पर जो इंडिया क्या कर रहा है जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको यहाँ पर देख रहा फॉर एग्जाम्पल हम जी ट्वेंटी पर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं क्वाड है उस पर हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं एस सी ओ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करता है क्यों क्योंकि इसमें रशिया एंड चाइना बोथ कंट्रीज आर मेंबर ऑफ दी यहाँ पे हम ब्रिस्क की बात करते हैं तो ब्रिस्क, हम ये जो अल्टरनेटिव हैं, किसकी के उस पर हम यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो ग्लोबल साउथ यहाँ पे इंडिया के द्वारा बहुत सारी समिट्स ऑर्गेनाइज की गई जिसमें जो ग्लोबल साउथ के कंसर्न उनको यहाँ पर आ, देखा जा रहा है ओके अब देखिए हम वर्ल्ड इश्यूज की बात करते हैं तो इस आर्टिकल में हमने ये कहा कि हमने क्या क्या किया key uh, when we entered the council on january 1st 2021 we had clear priorities we focus intra-ally on maritime security terrorism us peacekeeping reform multilater uh, multilateralism on a global south इंडिया वॉज इलेक्टेड चेयर फॉर थ्री इम्पोर्टेंट यूनिस्सी कमिटीज द तालिबान सेंक्शन कमेटी लिबियान सेंक्शन कमेटी एंड काउंटर टेररिज्म कमेटी तो इसमें यही कहा जा रहा है जब हम यहाँ पे प्रेसिडेंसी में हम यहाँ पे एंटर करें 2021 में फर्स्ट जनवरी 2021 में जब हमने यहाँ पे एंटर किया तो हमारे यहाँ पे क्लियर प्रायोरिटीज थी कि हमें किस किस फैक्टर पर किस किस इश्यूज uh, पर यहाँ पे बात करनी है जैसे कि मेरी सिक्योरिटी टेररिज्म यूएन पीस कीपिंग में हम किस तरीके से यहाँ पे मल्टी रिफॉर्म ला सकते हैं ग्लोबल साउथ में यहाँ पे क्या क्या चीन

जो माइग्रेशन है रशिया यूक्रेन के कारण यहाँ पे कितना ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए यहाँ पे सेक्सुअली कितना ज्यादा यहाँ पे लोगों के साथ अब्यूज हो रहा है एजुकेशन और हेल्थ पर जो बच्चों के यहाँ पे एजुकेशन है उनकी जो हेल्थ पर कितना ज्यादा इम्पेक्ट हो रहा है फूड इनसिक्योरिटी इस वॉर कंफ्लिक्ट के कारण यहाँ पे क्रिएट हो रही यहाँ पे लोगों के जो घर है वो कितना ज्यादा यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहे हैं होम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है माल न्यूट्रिशन हो रहा है यहाँ पर ओके तो इसके कारण यहाँ पे हमें इन फैक्टर्स पर बात करनी चाहिए बट जो मेन एजेंडा है वो किस पर बात हो रही है इस टाइम पर कि किस तरीके से यहां पर वेस्ट है वो एक साथ यहाँ पर साथ में आ गया है और यूक्रेन का यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो साथ दे रहे हैं और वेस्ट जो है ये सोशल जो जो सोशलिस्ट सोशलिस्ट कंट्रीज कंट्रीज हैं है ना है, उनके अगेंस्ट में यहां पर कर रहा है तो मतलब सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक साथ आ गई हैं और जो वेस्ट है वो यहाँ पे उसको एक तरीके से इस कंफ्लिक्ट को रोकने की बात नहीं कर रहे वो यहां पर सिर्फ उसको और बढ़ावा कर रहे हैं कि, कि किस तरीके से रशिया है उसको यहां पर हम हरा सके ओके okay? तो यहाँ पे जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे इश्यूज हैं उसको यहाँ पे यह पीछे छोड़ते हुए सिर्फ यहाँ पे बेस्ट किस तरीके से एक साथ अलाय हो रहा है एक साथ सामने आ रहा है उस पर बात की जा रही है ओके okay? तो देखिए इंडिया का यहाँ पे मेन कंसर्न ये है कि हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूएनएससी एस सी की प्लेटफॉर्म पर क्योंकि यूएनएससी एस मेनली जो फाइव परमानेंट मेंबर्स हैं वो उनके लिए ग्लोबल जो इशूज है वो मैटर नहीं करती जो नेशनल इंटरेस्ट है वो मैटर करता है अब अगर ट्वेंटी छब्बीस ग्यारह ये अगर किसी और कंट्रीज में होता तो यहां पर उस पर कहा जाता कि ठीक है सारी कंट्रीज को एक साथ आना चाहिए जो टेररिज्म है उसको यहां पर रोकना चाहिए बट जब ये यूएस के साथ आए तो यहां पर कितना ज्यादा उस पर फोकस किया गया कि हाँ हमें टेररिज्म को क्या करना है रोकना है ठीक तो है तो मेन जो हमारे इशूज हैं क्या क्या होने चाहिए जैसे कि टेररिज्म टेररिज्म को हम किस तरीके से यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज की बात करनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज यहां पर क्या हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा और इसका हमें क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ क्योंकि जितने भी यहाँ पे आज की डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट कर लिया और उन्होंने ही सबसे ज्यादा एमिशन किया अब जब यहाँ पर जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहां पर जितनी भी कॉलोनाइज यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं अब वो डेवलपमेंट कर रही हैं एमिशन कर रही हैं तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं उनके डेवलपमेंट पर यहां पर रोक लगा रहे हैं क्यों आपने ये कहा क्यों क्लाइमेट चेंज का नाम लेकर आपने तो यहाँ डेवलपमेंट कर लिया आपके पास यहाँ पर सारी टेक्नोलॉजी आ गई बट अब जो जितनी भी यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज हैं आप उन्हें यहाँ पर रोक लगा रहे हैं कि आप डेवलपमेंट ना कीजिए तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा आप क्योंकि जो पॉल्यूशन है क्लाइमेट चेंज का जो मेन रीजन है आद, सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं क्या है सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो आपको यहाँ पे आप क्या या क्या कीजिए उन्हें फाइनेंशियली यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए या फिर टेक्नोलॉजी दीजिए ताकि यहाँ पर हम जो ये कोल जो एमिशन है यहाँ पर जो हम एमिशन कर रहे हैं और हम जो क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने की बात कर रहे हैं हम उसको यहाँ पे इंश्योर कर पाए और क्लाइमेट चेंज जैसी जो सिचुएशन है उसको यहाँ पे टैकल कर पाए इसमें यहाँ पे टेररिज्म की भी बात की गई कि टेररिज्म में भी हमें क्या करना होगा सामने आना होगा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और जो अदर टेररिज्म है वो हमें बढ़ते दिखाई दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये यह भी कहा कि इंडिया ने किस तरीके से यूएन का यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है पीस कीपिंग में तो इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन एन पीस कीपर्स इंक्लूडिंग एज अ पाइनियर इन वुमेन पीस कीपिंग इट लॉन्च इट्स लॉन्चिंग ऑन यूनाइट अवेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंद रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ पीस कीपर्स इज टू बी नोटेड अब देखिए इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब जो यूएन का पीस कीपिंग है उसमें यहाँ पे सपोर्ट किया है बहुत बड़ा ही इंडिया क्या रहा है कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है यहाँ पे क्या लॉन्च किया गया यूनाइट अवेयर को लॉन्च किया गया ये टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है टू स्ट्रेंथन रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ पीस कीपर्स इज टू बी नोटेड मतलब कहीं भी अगर पीस कीपिंग फोर जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय है

पीस कीपर्स के अगेंस्ट में क्राइम्स होते हैं उसको आप किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी uh, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं वी गिफ्ट गिफ्टेड टू लैक्स वैकेंसीज टू यून पीस कीपर्स और यून पीस कीपर्स को हमने यहाँ पे टू लैक वैक्सीन भी क्या की हैं? यहाँ पर गिफ्ट किए क्यों देखिए कोविड के टाइम पर यहां पर कितना ज्यादा अगर हम देखें तो मतलब किस तरीके से जो पीस कीपर्स हैं वो भी क्या करते हैं पीस कीपिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो हमें उनकी सिक्योरिटी उनकी अकाउंटेबिलिटी उनको हर एक चीज की जो जरूरत होती है वो सारी प्रौवा... मिल रही है या नहीं उस पर भी हमें इंश्योर करना होगा ठीक है अब इसमें हमारा यही कहा जा रहा है कि अवर फोकस ऑन डेवलपिंग वर्ल्ड स्पेशली अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया बॉस इनहेंस गिवन अवर क्लोज हिस्टोरिकल रिलेशन अब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया के रिलेशन डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ हैं उस पर

तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ये अल्टरनेटिव देख रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें जो हमारे ये जो मेन एजेंडाज हैं है ना टेररिज्म पीस कीपिंग क्लाइमेट चेंज इन पर हम फोकस कर सके तो ओके आई होप आपको यहां पे सारी चीजें क्लियर होंगी इस आर्टिकल से रिलेटेड नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो आप ये यूनिस्टी से रिलेटेड सारी चीजें देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा द वाइड डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर यून के द्वारा क्या होता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ग्लोबली हाउ एवर दिस ग्रोथ हैज़ नॉट रिजल्टेड इन द करस्पोडिंग इंक्रीज इन इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द एस डी आई इज कम्पोसाइड स्टेटिकल मेजर क्रिएटेड बाई यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इवेल्यूएट एंड कम्पेयर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन डिफरेंट रीजन अराउंड ये जो एच टी आई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा यहाँ पर कंपोसाइड किया गया है नेशनल सॉरी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको यहाँ पर लेकर आया गया क्रिएट किया गया है इसमें मेनली हम ये देखते हैं कि आ, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है वर्ल्ड में जो डिफरेंट रीजनस है वहां पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस तरीके से किसी भी इकोनमी की यहाँ पे ग्रोथ होना इट डजेंट मीन कि यहाँ पर क्या हो रहा हो ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रहा हो हमारी इकोनॉमी यहाँ पे ग्रो कर रही है हमारी यहाँ पे जीडीपी यहाँ पे बढ़ रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ग्रोथ कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट भी उस रीजन में हो रहा हो ओके okay? तो यहाँ पे इसलिए क्या लेकर आया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेकर आया गया है जिसमें मेनली आप हम देखें कि फोर इंडिकेटर्स होते हैं क्या क्या इंडिकेटर्स हैं किस तरीके से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कैलकुलेट uh, करते हैं तो फोर इंडिकेटर्स पहला क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब की बर्थ के टाइम पे कितने लोग यहाँ पर जिंदा रह पाते कितने लोग यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाते है ना मतलब की वो लाइफ को कंटिन्यू कर पा रहे हैं या नहीं तो पहला इंडिकेटर ये आ गया दूसरा अगर हम बात करते हैं ईयर ऑफ स्कूलिंग कि आपको यहाँ पर कितने साल तक स्कूल जाने का आपको चांस मिलता है थर्ड यहाँ पे uh, कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब कि आप कितने साल तक uh, मतलब कि कोई पर्सन कितने साल तक देखो एक होता है कि आपको यहाँ पर कि आपको यहाँ पे ट्वेल्व तक की स्कूलिंग का आपको प्रोविजन है बट ये ट्वेल्थ ईयर की जो स्कूलिंग है आप इसको क्या कंप्लीट कर पा रहे हैं है या नहीं तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रोविजन फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम तो ये चार इंडिकेटर्स के थ्रू हम क्या करते हैं किसी भी रीजन की किसी भी कंट्री की क्या ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स uh, हैं इसको यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट को यहाँ पे क्या किया जाता है कैलकुलेट किया जाता है ओके okay? अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो टोटल तो अगर हम देखें 191 कंट्रीज में से इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है 132 वन थर्टी टू आउट ऑफ वन नाइन्टी वन इवन हम श्रीलंका और बांग्लादेश से भी यहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा पीछे हैं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की यहाँ पर रैंकिंग है सेवेंटी थ्री और बांग्लादेश की यहां पर वन ट्वेंटी नाइन और इंडिया की कितनी वन थर्टी टू आउट ऑफ वन नाइनटी वन नाइन्टी वन कंट्रीज ओके तो देखिए इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कुछ स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कुछ स्टेट यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अगर हम देखते बात करते हैं आ, डेली की यहाँ पे जो फाइव स्टेट हैं डेली गोवा केरला सिक्किम एंड चंडीगढ़ की बात करें तो ये पांच जो स्टेट्स हैं वो अच्छा ज्यादा उन्होंने क्या किया है जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें यहाँ पे परफॉर्म किया है फिर यहाँ पे मिडल में आ जाते हैं कौन कौन सी केरला महाराष्ट्र तमिलनाडु हरियाणा पंजाब तेलंगाना गुजरात तो यहाँ पे इनकी जो रैंकिंग रैंकिंग है वो मिडल में है बीच में है और सबसे जो बॉटम में है बॉटम में यहाँ पर कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं हमारे बिहार उत्तर प्रदेश आसाम ठीक है तो यहाँ पे ये यह जो स्टेट्स हैं इनकी जो रैंकिंग है बहुत ही ज्यादा क्या है लो है तो इसमें ये देखने को मिल मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में यही आप देखेंगे कि लोगों को कितनी ज्यादा यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं कितने ज्यादा वो हेल्दी हैं एजुकेशन में यहाँ पे उनका क्या रोल है किस तरीके उनको प्रॉपर एजुकेशन यहाँ पर मिल रही है या फिर नहीं मिल रही तो ये सारी चीजें देखी जाती है किसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो देखिये अगर इसमें बस मेनली यही फोकस किया गया है कि किसी भी पर्सन का मतलब किसी भी इकॉनमी अगर कोई भी इकोनॉमी यहां पे ग्रोथ कर रही है उसकी जीडीपी यहाँ पे ग्रो कर रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट भी यहाँ पर क्या हो रहा हो रहा ओके okay? अब देखिए इसमें ये कभी कभी ये बात की जाती है कि जो सारे डेटा होते हैं ये सारी चीजें होती है जो रिपोर्ट्स आ रही है ये वेस्ट की रिपोर्ट्स हैं है ना ये जो ईस्टर्न कंट्रीज है उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो हमको यहाँ पे ये सोचना होगा कि ठीक है उसमें से अगर इसमें हंड्रेड पैरामीटर्स दिए गए हैं उस हंड्रेड पूरे वो पैरामीटर्स अगर सही नहीं बट अगर इसका वन परसेंट भी अगर सही है तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है सारी रिपोर्ट हमें यहाँ पर जो हमारी डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको यहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की जरूरत हो जाती है ओके okay? तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा सारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलेटेड तो इसमें मेनली ये जो हम इंडिकेटर्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस बेसिस पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए मल्टी फेसर्ड अप्रोच होनी चाहिए ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो इनकम इनइक्वालिटी है जेंडर इनइक्वालिटी है एक्सेस टू क्वालिटी सोशल सर्विस मतलब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट में हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी तो दी जा रही है बट कितने लोग इस अपॉर्चुनिटी को अचीव कर पा रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेनली हमारा यही है अपॉर्चुनिटी देना एक अलग बात है और उस चीज को एक्सेस करना इज अ डिफरेंट थिंग है ना दोनों चीज को यहाँ पे आप रिलेट करिए कि हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन का राइट है बट कितने लोग यहाँ पे एजुकेशन उनको मिल रही है यहाँ पे दूसरा फैक्टर ये आ जाता है तो देखिए इसमें यही कहा जा, जा रहा है कि इसके लिए हमें एक लेकर आना होगा एड्रेस चैलेंजेस टू प्रोवाइड फॉर अ ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हेल्थ केयर एजुकेशन एंड बेसिक हाउस होल्ड एम्यूनिटीज इंक्लूडिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज क्लीन फूल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट इन अंडरडेवलप्ड स्टेट इंडिया मस्ट प्रायोरटाइज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन पर्टिकुलरली फॉर इट्स यूथ तो उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया को मेनली किस पर फोकस करना होगा सोशल इन्वेस्टमेंट करना होगा प्रायोरिटाइज करना होगा ह्यूमन डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन में ताकि जो हमारे यूथ है पर्टिकुलरली हमें यूथ पर यहां पर फोकस करना होगा ताकि हम यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकें सिर्फ इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ऊपर ऊपर की ग्रोथ ना हो अगर यहाँ पर कोई अंदर आकर भी देखे तो उस पर भी हमें यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई दे ओके okay? तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा पूरा नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है आप फॉरन लॉ फॉर्म्स नाउ अलाउड इन इंडिया यहाँ पे फॉरेन लॉ फॉर्म्स यहाँ पे अलाउड किए गए हैं या नहीं तो देखिए यहाँ पे थर्टीन मार्च को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा रूल्ड आउट डेट फॉरन लॉ फॉर्म्स एंड फॉरन लॉयर्स कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ इन द कंट्री इधर ऑन द लिटिगेशन और नॉन लिटिगेशन साइड यहाँ पे जो फॉरन लॉयर्स होते हैं जैसे जो जो लोग बाहर से आ रहे हैं फॉरन से इंडिया के नहीं हैं तो उनको पहले ये प्रोविजन था कि वो इंडिया में आके कोई भी प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकते बट इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है रूल आउट कर दिया है अब ये कहा कि जो इंडियन लॉज हैं है ना उसको छोड़कर इंडिया केसेस को यहां पर छोड़कर आप जितने भी फॉरेन इंटरनेशनल मैटर्स हैं इंटरनेशनल लॉज हैं उन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ओके okay? इसी के चलते यहाँ पे बीसीआई ने भी क्या किया है अप्रोप्रिएट रूल्स यहाँ पे सुप्रीम uh, कोर्ट ने कहा है कि आप क्या करिए यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट रूल बनाइए इस रिगार्ड में अब टेंथ मार्च को यहाँ पे बीसीआई uh, ने क्या किया है बीसीआई क्या है हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो क्या करते हैं यहाँ पे जितनी भी लीगल एडवाइस होती है कौन, आ, यहाँ पे जितना भी आपको लाइसेंस वगैरह लॉयर्स को प्रोवाइड किया जाता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ठीक है ये एक स्टेचुरेटरी बॉडी है जो कि जितने भी यहाँ पे लीगल प्रैक्टिस होती है इंडिया उसके लिए यहाँ पे रूल फ्रेम करता है इसके लिए यहाँ पे देखिए बीसीआई ने टेंथ मार्च को क्या किया रूल नोटिफाई किया है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फॉर्मस इन इंडिया यहाँ पर कि जो फॉरेन लॉयर्स हैं और फॉरेन लॉ फॉर्म्स हैं इंडिया में उसके रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए यहाँ पे ये रूल्स लेकर आए गए हैं अब इस रूल्स में क्या है कि दिस विल इनेबल फॉरेन लॉयर्स एंड द लॉ टू प्रैक्टिस लॉ फॉरन लॉ इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ज्वाइंटर मर्जर एंड एक्विजीशन इंटलेक्चुअल एन रेसिप्रोकल बेसिस तो इस रूल में यह बताया गया कि जो फॉरन लॉज है इंटरनेशनल लॉ है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ज्वाइंट वेंचर मर्जर एक्विजीशन इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स तो इन सारी चीजों पर क्या कर सकते हैं जो फॉरन लॉयर्स है वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडियन कोर्ट में ओके बट यहाँ पे जो इंडियन लॉज है आप उन पर नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस आप उन पर कोई भी केस यहाँ पे आ, कोई भी लिटिगेशन है या फिर नॉन लिटिगेशन है उस पर आप केस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं ठीक है द रूल्स मैंशन दिस वुड ऑल्सो हेल्प टू एड्रेस द कंसर्न एक्सप्रेस्ड अबाउट द फ्लो ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब देखिए इससे क्या होगा जो डायरेक्ट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका जो कंसर्न है तो कंट्री में यह भी इसका जो फ्लो होगा वो बढ़ेगा हमारा जो कमर्शियल इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है आ, हम इंडिया को उसका एक हब बना सकते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं अब देखिए इसमें कहा है जो हम इंडियन लॉज हैं आप उस पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते उसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ज्वाइंट वेंचर इस पर आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इसके लिए यहां पर लेकर आ गया अब इसमें बीसीआई के बारे में क्या क्या पावर है कि फॉर फॉरन लॉयर्स द फॉर्म टू प्रैक्टिस इन इंडिया प्राइमरी क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इज द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री विद स्टेट दैट इंटाइटल टू प्रैक्टिस लॉ इन दैट कंट्री अब यहाँ पे अगर कोई भी फॉरन का पर्सन इंडिया में यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस करने आता है तो उससे पहले वो जिस भी कंट्री से आ रहा होगा उसको वहां से एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि हाँ हम आ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करें कि आप उस कंट्री में जाकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं ओके आप इंटाइटल्ड हैं इस प्रैक्टिस के लिए उस ऑन डैट पर्टिकुलर कंट्री Okay? तो यहां पर ये ने यहां पे प्रोविजन रखा है इम्प्लीकेशन हो सकते हैं हो सकते है कि आप देखेंगे मार्केट में जो एक कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा क्या होगा कंपटीशन यहाँ पे इंक्रीज होगा और यहाँ पे यह कहा जाएगा कि जो लॉ फॉर्म्स को यहाँ पे सेटअप ना करने से मतलब आपको लॉ फॉर्म्स यहाँ पे सेटअप करने चाहिए अगर आप उनको सेटअप करेंगे तो यहाँ पे जो आ, लीगल प्रैक्टिस है इसके बीच में आप एक कॉम्पिटिशन दिखाई देगा और कॉम्पिटिशन जब होता है तो जो हमारी सर्विस होती है वो और ज्यादा इम्प्रूव होती है ठीक है तो देखिए द लीगल फर्टर्निटी इन इंडिया इज नॉट लाइकली टू सफर एनी डिसएडवांटेजेस इन केस लॉ प्रैक्टिस इन इंडिया इज ओपन अपॉर फॉरन लॉर्ड इन रेस्ट्रिक्शन रेगुलेट मैनर अगर येड और रेगुलेटेड मैनर में फॉरन लॉर्ड अगर आते हैं इंडिया में यहां पर उनकी प्रैक्टिस को ओपन करते हैं तो यहाँ पर इंडिया के लिए कोई भी आपको डिसडवांटेज देखने को नहीं मिलता है यही इस आर्टिकल में बताया गया ओके तो आई होप आपको यहां पर सारी चीजें क्लियर होंगी नेक्स्ट मूव करते हैं uh, ये नेक्स्ट न्यूज है आप छोटी सी न्यूज को देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ है कि Uh, जो हमारा एसके एम है एसके एम क्या है संयुक्त किसान मोर्चा इनके द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था क्या किसान महापंचायत मंडे को तो इस में मेले इस पंचायत में ये फोकस किया गया कि जो एमएसपी गारंटी क्रॉप्स हैं, उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या यहाँ पे प्रॉमिस किए थे उसको यहाँ पे अभी तक पूरा नहीं किया गया है तो इस पे मतलब पर मतलब यहीं पर डिमांड हो रही है एमएसपी हो गया और आपका जो आप कह सकते हैं जो इनपुट प्राइसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अमेंडमेंट बिल था यूनियन गवर्नमेंट से यहाँ पे मतलब क्वेश्चन किया गया है कि जो आपने यहाँ पे प्रॉमिस किया था एमएसपी से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड यहाँ पे जो किसानों को यहाँ पे प्रॉमिस किए गए थे उसको अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है और उसी के चलते यहाँ पर पूरी पंचायत यहाँ पे बिठाई गई थी ओके नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रैपिड एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज नीडेड यूएन एन यूएन पैनल यहाँ पे आईपीसीसी की यहाँ पे रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमें यहाँ पे क्लाइमेट चेंज में क्या करना होगा तुरंत ही एक्शन लेना होगा रैपिड एक्शन लेना होगा अगर हम ऐसा नहीं करते हैं यहाँ पे देखिए एक टारगेट रखा गया था पहले की देखिए क्लाइमेट चेंज बहुत दिनों से हो रहा है तो इसी के चलते यहाँ पे नाइनटीन में हम देखे थे जो यूएनएस UNS, यूएनएससी है यूएनएससी उसके द्वारा यहाँ पे मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई थी 1992 में हम यहाँ पे रिवॉर्ड समिट भी ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें हमने फोकस किया था कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इस पर हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट भी आया था हमारा पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट आया था इसमें हमने ये फोकस किया था कि किस तरीके से हमें क्या करना है क्लाइमेट चेंज पर फोकस करना है हमने इसमें ये टारगेट रखा था कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो टू डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए बट जब पेरिस क्लाइमेट ये एग्रीमेंट आया था उसमें हमने कितना कर दिया था वन पॉइंट फाइव डिग्री कर दिया था कि हमें वन पॉइंट फाइव डिग्री को भी ओवरशूट नहीं करना है अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें इन फ्यूचर में ऐसे इस तरीके के जो चेंजेस हैं ऐसे मतलब कि अन अवॉइडेबल चेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लाइमेट चेंज होता है तो उससे क्या होता है कि आ, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अर्थ का टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स मेल्ट होकर कहाँ जाएंगे ओशन में जाएंगे ओशनिक रीजन का वाटर भी क्या होगा वार्म होगा तो साइक्लोन जैसी जो कंडीशन है वो हमें कंटिन्यूसली बढ़ती हुई दिखाई देंगी मॉनसून पैटर्न में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा चेंज देखने को मिलेगा फॉर एग्जाम्पल अभी जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है बारिश हो रही है वो क्यों हो रही है ये क्लाइमेट चेंज के कारण है अब इसके कारण यहाँ पे देखिए फूड इनसिक्योरिटी कितनी ज्यादा होगी अब इस टाइम पर जो हमारी बीट की यहाँ पे खेती हो रही है बीट की जो क्रॉप्स है उनको कितना ज्यादा यहाँ पे लॉस हो रहा है ये जो हेल्थ स्ट्रॉम ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे जो ओले गिर रहे हेल्थ स्ट्रॉम हो रहा है इसके कारण हमारी जो क्रॉप्स है उनको यहाँ पे क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है ठीक है तो इसमें देखिए मिली यही है कि हमें क्या करना होगा ये आईपीसीसी की यहाँ पे रिपोर्ट आई है आ, क्या है ये हमारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी साइड ऑन रिपोर्ट इसमें कहा क्लाइमेट चेंज इज अ थ्रेट टू ह्यूमन वेलबींग एंड

यहाँ पर हमें कुछ ही सालों में क्या दिखाई दे रहा है कि हम 1.5 डिग्री जो हमने ये टारगेट सेट करके रखा है कि आज का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज नहीं होना चाहिए वो भी उसको क्या कर जाएगा ओवरशूट कर जाएगा और इसके कारण हम बहुत बड़े क्राइसिस में फंसने वाले हैं हम ये जो सस्टेनेबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम इसको यहाँ पर सिक्योर नहीं कर पाएंगे देखिये इसमें यही कहा कि ओवर शूटिंग डिग्री सेल्सियस विद रिजल्ट इन इन रिवर्सिबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन सर्टन इकोसिस्टम विथ लो रेजिस्ट माउंटेन कोस्टल इकोसिस्टम इम्पेक्टेड बाय आइस शीट ग्लेशियर मेल्ट और बाय एक्सलटिंग एंड हायर कमिटी कमिटेड सी लेवल राइस यहाँ पे सी लेवल राइस होगा अब पहले के टाइम पे अगर आप देखते थे यहाँ पर क्या है हमारा अरेबियन सी है ठीक है और यहाँ पे क्या हमारा बे ऑफ बंगाल है सबसे ज्यादा हमें साइक्लोन पहले के टाइम पे क्योंकि बे ऑफ बंगाल का जो वाटर है वो कैसा है वार्म है वार्म न इसके कारण यहाँ पे क्या होते हैं हमें साइक्लोन देखने को मिलते थे बट क्लाइमेट चेंज के कारण हमें क्या देखने को मिल रहा जो अरेबियन सी है यहाँ का भी जो वाटर है वो वार्म हो रहा है जिसके कारण अब हमें यहाँ इस साइड में वेस्ट साइड में भी हमें साइक्लोन जैसी जो कंडीशन है वो फेस करनी पड़ रही है तो देखिये और जो यहाँ पे आईलैंड्स है सी लेवल राइज होगा यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं वो क्या हो रही हैं सी uh, में यहाँ पे मर्ज हो रही हैं ठीक है थीके? तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें एक ऐसा हम यहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर हमने अभी यहाँ पर कोई भी रैपिड एक्शन क्लाइमेट चेंज पर नहीं लिया ओके okay? तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें देखिए हमने इसको यहाँ पे यह डिस्कस कर लिया कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग वो मॉस्को की विजिट पे गए, गए हुए हैं रशिया के विजिट में उन्होंने यहाँ पे मेरे यही कहा है कि यहाँ पर बीजिंग किस बारे में बात करेगा पीस प्लान लेकर आएगा इसको डिस्कस करेगा कि रशिया और जो यूक्रेन के बीच में है ये जो कॉन्फ्लिक्ट उसको हम यहाँ पर रोक सके ओके okay? तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी सो दैट्स फॉर ऑल टूडे वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा पीडीएफ के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज एनालिसिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है सो आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन